बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर बी, आज की जो डिस्कशन है वो पेपर बी है, चैप्टर 9 to 14 हाफ बुक। इसमें अगर आप देखें तो पहला जो एमसीक्यू है 2π/3 रेडियन इक्वल टू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस में दिया हुआ है तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 120 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से करेंगे, तो π/180 जब करोगे तो π/6 आंसर आ जाएगा। सिंपल 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ठीक है, सबको वैल्यू याद है। अगर आपको ना याद हो तो आप π/180 लिख लें। π/180, अब पाई की जो वैल्यू है वो 180 नहीं पुट करनी, वो 3.142 या 22/7 होती है, ठीक है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो 0.175 डिग्री की इक्वल आपको आंसर मिल जाएगा। कॉज अल्फा माइनस π/2, कॉज अल्फा कॉज बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लें, या वैसे ही वो अलाइड एंगल भी यूज़ करते हैं। कॉज अल्फा बीटा का अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉज 90 तो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1, तो साइन अल्फ़ा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें डेल्टा ऑप्शन में दिया गया। लाइट एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैन टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा एंड टेंजेंट गैमा किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो इस तरह होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा हो जाएगा। दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 को पाई भी लिख सकते हैं, पाई माइनस गैमा। सो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट पाई माइनस गैमा, पाई पे रेशियो चेंज नहीं होती तो टेंजेंट गैमा ही आ जाएगा, ठीक है। जब टेंजेंट गैमा आ जाएगा तो ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ गैमा इज इक्वल टू, ठीक है, तो किसकी इक्वल आएगा, जाहिर सी बात इस साइड पे कुछ भी नहीं बच गया तो ये जीरो आ जाएगा आंसर, जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया गया। इफ़ टेन थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव, आप देखें टेन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, हमें पता है कि टेन थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इस वाले में, और यहाँ पे होता है। लेकिन साइन उसने नेगेटिव गया तो साइन नेगेटिव थर्ड में ही होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आर साइन थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू बतानी है तो आर की वैल्यू बड़ी आसानी से बता सकते हैं, स्क्वायर करके आप इसको ऐड कर लें, या आर का फॉर्मूला ये भी होता है, या सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं आप इसको। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये 416 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 और 9 कितना बन गया आपका, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 में आ जाएगा। द पीरियड ऑफ 3 साइन 3x, साइन 3x का जो पीरियड होगा, पीरियड साइन का पीरियड 2π होता है तो 3 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा इसका पीरियड। डोमेन ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ x की डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, कुछ भी आप उसमें पुट कर सकते हैं। अ ट्री ऑफ 8 मीटर हाई हैज़ शेडो 8 मीटर इन लेंथ, इसका डायग्राम बना देता हूँ। एक ट्री है, उसकी लेंथ की शेडो जो है 8 मीटर है, ये शेडो है इसका। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका एंगल क्या होगा, इसको थीटा लिख लेते हैं। अ ट्री ऑफ 8 मीटर हाई, अच्छा हाइट भी 8 मीटर ही है, तो ये अगर दोनों सेम हैं इसका मतलब है टेंजेंट रेशियो यूज़ करेंगे तो टेंजेंट 45 पे आपको देगा 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट की रेशियो यूज होगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8/8 तो 8/8 1 हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बड़ा सिंपल सा है। बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2bc कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्र, को साइन ला का फॉर्मूला यूज़ किया। इफ ए बी सी हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एस का फॉर्मूला सिंपल दिया गया है, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये -π/2 से π/2 तक होती है। टेंजेंट इनवर्स -1, अब -1 -45 पे ही आपको देगा, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है। रेफरेंस एंगल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 बात की जाए तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया, -1/2। अब हमने देखना है -1/2 किस क्वाड्रेंट में हमें देगा। अब माइनस या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, तो 30 डिग्री है हमारा, 1/2 है। अब 1/2 अगर देखें तो ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 रेफरेंस एंगल में के लिए अगर सपोज नेगेटिव इन्वॉल्व करा था, हमें पता है ये 30 डिग्री पे दे रहा होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा होता है किसी भी क्वाड्रेंट में, उसे हम रेफरेंस एंगल, तो 30 डिग्री π/6 होगा, तो π/6 सी ऑप्शन में दिया गया। एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे हम। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan ऑफ x इक्वल टू 1/2। आप देखें tan का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सिर्फ क्वाड्रेंट ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ secant ऑफ x इक्वल टू √2। अब secant x √2 है तो एक्चुअली cos ऑफ x क्या आएगा, 1/√2 है। तो ये किस एंगल पे आपको देता है जी, 45 डिग्री पे देता है, और 0 से 2π तक बताना है। तो cos आपका चौथे क्वाड्रेंट में होता है, एक पहले में और दूसरा चौथे में। तो एक तो आ गया 45 डिग्री, अब इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हमारी हो सकती। ये थर्ड में जा रहा है तो ये भी नहीं, तो ये आपका आ गया जी कोसेकेंट फोर्थ में, तो π/4 और 7π/4। 7π/4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ये देखिए 45 × 7 करेंगे, 5×7 = 35, 7×4 = 28, 28 और 3, 315 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें भी आपको आंसर √2 ही मिलेगा। इफ साइन इनवर्स 0 = 0 तो रेफरेंस एंगल क्या आएगा, वो सिमिलरली अगर 0 है तो एंगल आपका 0 ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट। इसमें cos इनवर्स √3/2 का आप अल्फा सपोज करें, अल्फा सपोज करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से cos अल्फा = √3/2। √3/2 हमें पता है ये 30 डिग्री पे दे रहा होता है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आप सबको याद होगी। शो दैट cos ऑफ साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x पे आपने अल्फा सपोज कर लेना है, cos इनवर्स x को = अल्फा, तो ये cos अल्फा x की इक्वल आ जाएगा। फिर आपने sin 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज़ करना है, डबल एंगल sin 2 अल्फा, सॉरी 2 sin अल्फा cos अल्फा। साइन cos अल्फा की वैल्यू है, लेकिन साइन अल्फा के लिए आप 1 - cos² लिखने प्रूव हो जाएगा। शो दैट साइन इनवर्स, इसमें भी आपको अल्फा सपोज करना है साइन इनवर्स x को, तो ये साइन अल्फा = x हो जाएगा। फिर आपने टेंजेंट ऑफ अल्फा यूज़ करना है, विच इज साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। फिर cos अल्फा को साइन में कन्वर्ट कर लें, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/3, ठीक है। इसमें भी आप साइन इनवर्स 12/3 को आप सपोज, यहाँ पहले अगर 2 ख़त्म करना है तो ये दो फॉर्मूले हैं, या तो इसको ब्रेक कर ले टेंजेंट इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3 में, तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा आपका, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद साइन को आप सपोज करें अल्फा, टेंजेंट का फार्मूला यूज़ करें, आंसर आ जाएगा। ओके जी, सेम इसी तरह हम इधर भी करेंगे, ठीक है। चाहे cos इनवर्स 4/5 को अल्फा सपोज कर लें, फिर फार्मूला यूज़ करें, आंसर आपको मिल जाएगा। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। कोसेकेंट थीटा 2 की इक्वल प्रूव करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करके, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, तो सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। ये सेम सोल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूशन है, इसको डबल एंगल में पहले कन्वर्ट कर लेना आपने, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। 9 पार्ट में दी सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2sin²। अब ये sin थीटा है, इसमें sin थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद आपने दोनों को बारी बारी 0 कर देना है, मतलब फॉर इस तरह मैं कह रहा हूँ, sin थीटा ये हो जाएगा 2sin θ - 1 = 0, तो एक बार ये भी 0, एक बार ये भी 0, ठीक है। तो दोनों का जो सोल्यूशन होगा उसको यूनियन में लिखना है आपने। सोल्यूशन ऑफ दिस, इसमें स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस वाले को भी सॉल्व करना है, माइनस वाले को भी सॉल्व करना है, प्रूव करना है। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें, प्रूव हो जाएगा। स्टेट 2 लॉ ऑफ साइंस, तो ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा फॉर्मूला है, ये आपका लॉ ऑफ साइंस का। पीरियड कॉर्ड का आपको पता है पाई होता है, तो आप पाई ऐड करें, 8 कॉमन लेंगे तो इसका π/8 पीरियड बन जाएगा। सेम cos 2x के साथ डोमेन ऑफ tan ऑफ x, डोमेन tan ऑफ x की जगह होती है, जितने भी tan को अगर लिखा जाए तो ये साइन ओवर cos होता है। तो cos हमें पता है किस पॉइंट पे 0 देता है, 90 पे, तो जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं ऑड 2n+1 π/2, ये आपको निकालने होते हैं, ये इसकी डोमेन, ये निकालने होते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, 2 एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, बीटा फाइंड करना है, और सी बीटा तो हमें मिल जाएगा किस तरह, सम 180 करके, सम 180 करें तो हमें एंगल बीटा मिल जाएगा। जो सी फाइंड करना है आपको, तो साइन लॉ यूज़ करेंगे आप, बी और सी, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन करना, तो सी भी मिल जाएगा। डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से अगर खड़े होकर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कहीं, तो जो आपका एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है। वर्डिंग आप बुक से देख के लिख लेगा। वट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी एंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। इफ़ बी इज इक्वल टू 95, सी गैमा दिया हुआ है, एल्फा फाइंड करना है तो कोसाइन ला यूज़ कर ले। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज एल्फा। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलर साइड के सामने होगा तो स्मॉलर साइड हमारे पास बी है, तो कोसाइन ला यूज़ कर लें बी वाला। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। वैल्यूज पुट करें, आंसर आएगा। डिफाइन हीरो फार्मूला, हीरो फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है जी। इनमें वैल्यूज पुट, ये है जी हीरो फार्मूला। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दो एंगल और एक साइड दी गई है तो इसके लिए आपको तीसरा एंगल पहले फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लगेगा सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। प्रूव दैट R1, R2, R3, R की वैल्यू डेल्टा ओवर एस होती है, R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, फिर एस माइनस सी, फिर एस माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें भी शो करना है, इसके हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा 2 का फॉर्मूला यूज़ करें, आर का फॉर्मूला यूज़ करें, सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। डिफाइन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री हमें पता है जी, अगर सर्कल के 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट का जो एंगल बनता है वो 1 डिग्री होता है, और रेडियन में अगर आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो जाए तो एंगल जो बन रहा होता है वो 1 डिग्री। दोनों को आपने डिफाइन करना है। कन्वर्ट 3 मिनट इंटू रेडियन, 3 सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट से डिग्री में, डिग्री से सेकंड से मिनट में, और मिनट से डिग्री में। उसके बाद आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड थीटा व्हेन एल और आर, एल और आर दिया हुआ है तो रिलेशन है जी एल इज इक्वल टू आर थीटा। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन टू एंगल्स, How many minutes are there in two right angles? दो right angles में कितने मिनट होते हैं, ठीक है जी। right angle हमें पता है जी 90 डिग्री होता है, तो दो right angle मिलके हमें 180 डिग्री बन जाएगा। तो 180 डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं? 1 मिनट में आपको पता है जी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। If cot theta is equal to 515/8 एंड द टर्मिनल आर्म इज नॉट फाउंड, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसके लिए वो ट्राइंगल भी बना सकते हैं या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो तीन उन्हीं में से यूज़ करके। अब इसने एक चीज़ का ख्याल रखना है साइन का, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। जब 1 में नहीं है तो कॉट पॉजिटिव आपको पता 3rd में होता है, तो जो कॉस का आंसर लिखेंगे कॉस 3rd में नेगेटिव आंसर होगा, तो जो भी वैल्यू आनी है उसके साथ हमने नेगेटिव लगाना है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर वैल्यू, इन सबकी जस्ट वैल्यूज रिप्लेस पुट करनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगी। 180 प्लस अल्फा 90 माइनस अल्फा इसकी इक्वल है। अलाइड एंगल यूज़ कर रहे हैं या साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं। इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल, प्रूव दैट इसकी इक्वल है, तो इसको स्टार्ट करना है जी आपने। सम आपको पता है जी 180 डिग्री होता है, तो गैमा एक साइड पर किया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, 180 को पाई लिख रहे हैं, पाई माइनस गैमा, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ पाई माइनस गैमा हो जाएगा। अब साइन पाई माइनस गैमा साइन गैमा के इक्वल ही आएगा, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। प्रूव दैट कॉस 270 प्लस थीटा, अब इस पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें तो आंसर मिल जाएगा। प्रूव दैट कॉस 8 माइनस साइन 8 ओवर कॉस 8 प्लस साइन 8, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट कॉस से नोमिनेटर और डोमिनेटर डिवाइड कर दें तो 1 माइनस ये साइन ओवर कॉस टेंजेंट 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 प्लस टेंजेंट 8 हो जाएगा। 145 होता है, इसके साथ भी 45 लिख लें तो ये फॉर्मूला आप बना लेंगे इसको 45 माइनस 8 का, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, इस तरह प्रूव हो जाएगा टेंजेंट 47। एक्स प्लस सम ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करें, आंसर आ जाएगा। साइन एक्स प्लस 30 साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अच्छा प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, जैसे इसको सम से प्रोडक्ट में जाने का फॉर्मूला यूज़ करें, आंसर मिल जाएगा 10.4 में। इसका एल्सीएम ले, एल्सीएम लेने के बाद नोमिनेटर में भी फॉर्मूला आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डबल एंगल फॉर्मूला बना लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में साइन 6a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इधर बना के सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाए। कॉट अल्फा माइनस बीटा है तो चाहे आप इस साइड को सॉल्व कर लें चाहे इस साइड को सॉल्व कर लें, ठीक है, दोनों तरफ से आपको आंसर बन जाएगा। इसको अगर इस साइड से करेंगे तो इसको कॉज ओवर साइन फिर एल्सीएम लेंगे, एल्सीएम नोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा का और नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है, सब ऑटोमेटिकली वो कॉज ओवर साइन कोड बन जाएगा। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन कॉज साइन साइन है, तो इसको पहले हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे अलाइड एंगल से। तो ये कॉस में कन्वर्ट करें तो ये कॉस 19 के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस 19 जब हो जाएगा तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन 19 प्लस 130 डिग्री साइन 31/2 होता प्रूव हो जाएगा। इसमें भी आपने सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉस आएगा, विच इज इक्वल टू 10 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 टेंजेंट। अब इस सबसे पहले हम यहाँ तो इसको 2 tan में कन्वर्ट कर लें या 2 टेंजेंट इनवर्स a का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। जब 2 tan इनवर्स रह जाएंगे उन पे जब दोबारा से फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का तो ये 45 बन जाएगा। सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये हमने पहले भी डिस्कस की है। ये वाली सबसे बड़े वाली साइड है, इसको a कह लें, इसको b कह लें, इसको c कह लें। अगर आपको ना समझ आए कौन सी बड़ी साइड है तो कोई एक रैंडम वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लें तो यही वह साइड बड़ी आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप 2 पुट कर लें इनमें किसी में भी तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा कौन सी साइड सबसे बड़ी है। cot थीटा इक्वल टू 5/2 टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए वही 3 आइडेंटिटीज हैं। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना लेंगे तो आपको साइन भी मिल जाएगा कॉस भी मिल जाएगा। क्योंकि cot दिया आपको तो tan 2/5 हो जाएगा। tan होता है दिस ओवर दिस, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो साइन cos tan की वैल्यूज आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और सारे पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिया गया। ट्राइंगल सॉल्व करनी है, 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। जब तो 2 साइड और एक एंगल दिया हो तो आप इस पर सबसे पहले तो कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। c² मिल जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos गामा। साइड मिल गई उसके बाद साइन लॉ यूज करें 2 साइन थीटा। इसको प्रूव करना है कि ये tan 2 थीटा और tan थीटा के इक्वल है। तो नीचे जो है आप सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना लें। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन ओवर कॉस ये दोनों टेंजेंट बन जाएगा और प्रूव हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स इन दोनों पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर भी एक वैल्यू इधर भी एक वैल्यू और दोनों साइड सेम आ जाएंगी। दिस शोज दैट ये दोनों साइड्स के हैं इक्वल हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।